वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, सबसे पहली बात तो हैप्पी नवरात्रि सबको। जैसे कि आपको पता है, नवरात्रि चल रही है। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे तरीके से एंड बहुत पॉजिटिव वे में, तो पॉजिटिव तरीके से नवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हालांकि हम तो नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे, उसका रीज़न क्या है मैंने आपने पहले के ब्लॉग में बता रखा है। तो आप लोग नहीं देखा हो तो पहले का ब्लॉग जाके चेक कर लेना, आपको पता चलेगा। मैंने प्रॉपर रीज़न नहीं बताया, बट मैंने बता दिया है कि क्यों नहीं कर सकते। तो उस टॉपिक पे बात करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। जैसे कि अभी नवरात्रि के अभी मेरे क्या सेकंड डे या थर्ड डे पे मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि भाई तुझे पता है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? मैं बोला हाँ मुझे पता है। क्यों, तुझे नहीं पता? तो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बता कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है नवरात्रि और किस लिए मनाई जाती है। नवरात्रि ऐसा है कि खाली गरबा खेलते हैं, दिया जलाने का, गरबा खेलने का, यही सब है नवरात्रि? बोलो उसको नहीं, ऐसा नहीं है। उसको मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या है, किस लिए, कैसा है। ये चीज़ मेरे एक बार दिमाग में आई कि भाई हम नवरात्रि ना जाने कितने सालों से मनाते आ रहे हैं, एंड अगर आज के यूथ को ये नहीं पता कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा शर्म वाली बात है हमारे लिए। तो मतलब आजकल का जो जनरेशन है, उनको नहीं पता होता है। मतलब मेरे ख्याल से तो 80% लोगों को तो पता ही होगा कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या है, किस लिए। बट जो 20% लोग हैं ना, उनको नहीं पता होगा रीज़न, कि उनको किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने वीडियो में ये बताऊँ कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्योंकि मेरा जो क्राउड है, मेरा जो सब्सक्राइबर है, वो सारे मतलब जेन ज़ी, छोटे छोटे बच्चे वगैरह हैं जो मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो शायद उनको नहीं पता होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो के थ्रू उनको पता चले कि नवरात्रि, भैया नवरात्रि मनाई क्यों जाती है एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बात करूँगा, एक फ्री आइडिया दे दूंगा, ताकि सारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनको नहीं पता नवरात्रि क्यों मनाई जाती, तो उनको एक छोटा सा आइडिया आ जाए कि भाई हाँ इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। क्योंकि आजकल के यूथ में दिमाग में उनके ये है ना कि नवरात्रि किस लिए मनाई जाती, खाली गरबा खेलना है, गरबा बिठाना है। जैसे गणपति होता है, वैसे ही देवी जी का आगमन होता है, उनको 9 दिन रखते हैं, देन उसके बाद विसर्जन होता है। कि इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है क्योंकि गरबा खेलना है, डांडिया खेलना है, बस नहीं होता है। नवरात्रि के पीछे का एक स्टोरी है बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल और लेम लैंग्वेज में बताऊंगा। भी जज नहीं करना इसको कि अरे यार ये तो वैसा बता रहा है, वैसा बता रहा है, तैसा बता रहा है, ऐसा नहीं है। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर को बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक आइडिया आ जाए कि हाँ भाई नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। एंड दिस इज़ द नॉट राइट प्लेस कि मैं सारी चीज़ों को क्लियर एक्सप्लेन करूँ कि इसलिए, उस लिए, ये वो, ऐसा वैसा तैसा। ये चैनल वो है ही नहीं, ये ब्लॉगिंग चैनल है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे यूथ को पता चले कि नवरात्रि भाई क्यों मनाई जाती है। बिना किसी टाइम वेस्ट के ना, बहुत छोटा सा ब्लॉग, बहुत छोटा सा वीडियो होगा ये। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्योंकि एक महिषासुर नाम का एक राक्षस था। अब वो ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करना चालू किया, क्योंकि उसको वरदान चाहिए था, क्योंकि वो राक्षस था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐसा तिगड़म चल ही रहा रहेगा कि इसको कुछ करना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो इसलिए वो तपस्या करने लगा। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि तपस्या वगैरह करते थे लोग मतलब भगवान को खुश करने के लिए। जैसे अगर समझो कि अगर मुझे गणपति जी को खुश करना है, तो मुझे तपस्या करनी पड़ती थी, कठोर तपस्या। उस टाइम पर बहुत कठोर तपस्या होती थी, मतलब ऐसा ध्यान में ही लगे रहो और नाम जप करते रहो कंटिन्यूसली, चाल 2 साल 4 साल 5 साल 15, मेरे ख्याल से 50 साल तक उन लोग तपस्या करते थे। अब मैं राइट नंबर तो मुझे भी नहीं पता, बट बहुत बहुत साल तक वो लोग तपस्या करते थे, तब जाके उन लोग का मतलब पेशेंस इतना था ना कि तपस्या करते रहते थे वो लोग। तो कुछ कुछ मतलब राक्षस ऐसे होते थे जो प्रसन्न कर देते थे भगवान को। ससुर राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया एंड ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मांगो, क्या वरदान चाहिए तुमको, मतलब क्यों तपस्या करो, क्या वरदान चाहिए मांगो। तो उसने बोला कि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए, मुझे कभी कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूँ, मैं मरूंगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ऐसा नहीं होता कि जिसने भी अगर जन्म लिया है तो उसका मृत्यु निश्चित है, अगर जो जो आया है वो जाएगा भी। जीने और मरने का छोड़ के तुम कुछ और भी मतलब कुछ और मांग लो, कि जीने और मरने का छोड़ के कुछ भी मांग लो तुम। महिषासुर नाम का राक्षस था, उसने मांगा कि ठीक है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई ना भगवान मार पाएगा, ना कोई राक्षस मार पाएगा, और ना कोई पुरुष कोई मुझे मार नहीं पाएगा। ऐसा वरदान चाहिए मुझे, कोई पुरुष नहीं मारना चाहिए मुझे। मैं कोई मार सकता है तो कोई स्त्री मार सकती है, मेरे को पुरुष कोई नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया ठीक है ततास्तु। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया, और फिर उसके बाद तो भाई इसका नाम ही था महिषासुर राक्षस। तो भाई उसने चालू किया अपने रंग दिखाना, और भाई पूरी तहलका मचा दिया उसने, एकदम भगवान लोग को जाके मार रहा है पूरा, मतलब पूरा उसने जो तबाही मचा दी, पूरा सबको जाके मार रहा है, पूरा आतंक मचा दिया। क्योंकि अभी तो उसको कोई राक्षस भी नहीं मार सकता, तो राक्षस लोग का राजा हो गया वो, क्योंकि कोई राक्षस उसको मार नहीं सकता, कोई भगवान उसको मार नहीं सकता, कोई पुरुष उसको मार नहीं सकता, तो अमर हो गया वो। तो सारे भगवान लोग मतलब
तंग आके सीधा चले गए विष्णु जी के और शिव जी के पास। तो सारी चीज़ें बताया तो विष्णु जी और शिव जी भी ये थे अपना पुरुष थे, तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। कि ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई देवता उनको नहीं मार सकता, कोई पुरुष उनको नहीं मार सकता, कोई राक्षस उनको नहीं मार सकता, तो ये वरदान था तो कुछ नहीं कर पाए। तो सारे देवता ने विष्णु जी का और आदिशक्ति माँ आदिशक्ति का आराधना किया। जब वो आराधना करने लगे तो सबके शरीर से, मतलब सब भगवान के शरीर से एक एक दिव्य शक्ति निकलने लगी। देन वो जो दिव्य शक्ति थी, वो जो रोशनी थी, वो माँ दुर्गा का रूप ले लिया और बहुत बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत माँ दुर्गा इतनी अट्रैक्टिव और इतनी खूबसूरत थे वो। तो जो ये था, जो महिषासुर राक्षस था, वो मोहित हो गया माँ दुर्गा की, मतलब उनका जो लुक था, उनका जो वो था, अट्रैक्टिव था बहुत ज़्यादा। तो वो राक्षस वो जो है वो अट्रैक्ट हो गया। देन उसने प्रस्ताव रखाए कि आप मेरे से शादी कर लो। तो माँ दुर्गा ने बोला कि नहीं, ऐसे मैं शादी नहीं करूंगी। माँ दुर्गा ने कि तू मेरे साथ युद्ध कर और मेरे से जीत जा, तब उसके बाद मैं तेरे साथ शादी करूंगी। तो महिषासुर ने मान लिया, ठीक है। तो युद्ध चला, और फिर युद्ध चला था 9 दिन, पूरा 9 दिन युद्ध चला था, और फिर 10वें दिन पे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था। इसलिए हम नवरात्रि मनाते हैं 9 दिन का, और 10वें दिन को हम ये दशहरा मनाते हैं। तो ये है गाइस शॉर्ट एंड सिंपल सी स्टोरी कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। क्योंकि अच्छाई की जीत हुई थी बुराई पे, एंड माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध कर दिया था, तो इसलिए हम 9 दिन का नवरात्रि मनाते हैं, एंड दशहरा का 10वें दिन पे हम दशहरा मनाते हैं। तो ये है छोटी सी स्टोरी नवरात्रि की। तो गाइस ये था शॉर्ट एंड सिंपल सा स्टोरी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री। अभी तो लाजू खा ली।